सैटरडे हाफ डे होता है, घर आते ही हस्बैंड ने कहा उनके साथ फैंसी बाजार जाना है, तो हम भी निकल पड़े उनके साथ। उनको कुछ शॉपिंग करना था उनके कज़न की शादी के लिए। गुवाहाटी का ट्रैफिक, चाहे कितनी भी पतली गली सब निकलने की कोशिश क्यों ना करो, भाई साहब बचने वाले तो हो नहीं। और हमारे साथ भी वही हुआ है। फाइनली हम पहुंच गए हैं लकटोकिया। यहाँ पे हम मोजरी की दुकान ढूंढ रहे हैं। ये एक दुकान हमें मिला है, चलिए जाके देखते हैं कि इसमें कलेक्शन कैसा है। यहाँ पे हस्बैंड को एक मोजरी मिला, वो उसको देख रहे हैं। एंड भाई साहब यहाँ पे आने के बाद मेरे दिल में जो खलबली मची, जो मेरा मन किया कि मैं एक खरीद लूँ। कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था यहाँ पे, बट सेल्फ कंट्रोल, हमने अपने आप को कंट्रोल किया है जैसे तैसे। इधर पे ट्रायल अभी भी चालू है, जो भी खरीदो भाई, जब तक मन को तसल्ली ना हो तब तक चेक करते रहो, आराम से खरीदो। फिर फैंसी बाजार में हमने कुछ और दुकानें देखी है, वहाँ पे कुछ खरीदना था पर अनफॉर्चुनेटली जो चाहिए था वो मिला नहीं, दोनों को लगा भूख। फिर हम चले गए मंगाराम्स। यहाँ पे हम दोनों ने ऑर्डर किया 2 कप कॉफी, 1 पफ हॉट डॉग और दूसरा चिकन पैटी। बस यहाँ पे मैं अपना कॉफी इंजॉय कर रही हूँ, एंड जो मेरे बहुत करीब है ना, उनको मालूम है मुझे किचन आइटम से कितना प्यार है, तो बस कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे आके कुछ कप्स खरीदे हैं, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। मन धुनिया लगी से मन नाम तो कोई दिया समर मेकअप करिबा आरो मुकवा म लगाई दिम तुमक। कुछ टाइम लकटोकिया में उनके कजन के साथ बिताने के बाद हम अपने घर चले गए। तो ये रहा इनका डिनर, कबाब। ये कबाब कोई चिकन के कबाब नहीं है, ये है चना दाल लौकी के कबाब। इसका रेसिपी मैंने शेयर कर लिया है इंस्टाग्राम पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाके इसकी रेसिपी देख सकते हो। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल खाना लजीज़। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज है संडे और संडे माना जाता है कि संडे इज़ फन डे, संडे मीन्स बहुत सारा रेस्ट। बट ट्रस्ट में बीइंग ए वर्किंग वूमेन, हमारे लिए संडे बिल्कुल भी रेस्ट डे नहीं है। जितने भी वर्किंग वूमेन है वो सब रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी काम वीकडेज में होता है ना, पेंडिंग काम, वो सारा हम संडे को ही करते हैं। तो हमारे लिए तो संडे बिल्कुल भी फन डे नहीं है। वैसे संडे है या मंडे या कुछ भी हो, काम तो चलता रहेगा, लाइफ है, चलाना पड़ेगा। संडे का मेरा सबसे पहला काम वही होता है पौधों को पानी देना। ये है मेरा छोटा सा बेल्कनी गार्डन। मुझे ट्रस्ट मी गार्डनिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं था शादी से पहले। आई डोंट रिमेम्बर मैंने कभी भी अपनी माँ को उनके गार्डन में कभी हेल्प की होगी, बट जब मैं शिफ्ट हुई यहाँ पे तो सबसे पूछ के, स्पेशली मेरी माँ से पूछ के, मैंने गार्डनिंग में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया है। एंड ट्रस्ट मी इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। शेयर करने वाली हूँ वो है ढाबा स्टाइल दाल तड़का। कल मेरे हस्बैंड ने शायद फेसबुक पे देखा होगा, पता नहीं, उन्होंने मुझे शेयर किया ये लिंक और उन्होंने कहा कि ये ट्राई करो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, लंच के लिए ये बना भी लेती हूँ और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए साथ मिलकर ढाबा स्टाइल दाल तड़का। हमें चाहिए 1 कप अरहर की दाल, आधा घंटा इसको भिगो के रखो, उसके बाद इसको कुकर में डालिए। इसमें दीजिए 1.5 कप पानी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और 3 सीटी लगा दीजिए। दाल कुछ इस तरह से गलेगा। एक कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल डालिए। आप इसको पूरी तरह से घी में भी बना सकते हो। फिर 1 चम्मच घी, उसके बाद 1 चम्मच जीरा, जीरा के चटकने के बाद 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद 2 ड्राई रेड चिली और 1 चॉप्ड अनियन। प्याज को आपको अच्छा से भून लेना है। यहाँ पे हमारा प्याज ऑलमोस्ट भून चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटो। टमाटो को भी अच्छा से सौते कर लेना है। मुझे टोमेटो को पूरी तरह से भुनना भी नहीं, ये जो कुछ पीसेस है तो इसका बाइट मुझे
दाल में चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। अगर आप चाहो तो आप इसको कम्प्लीटली भून सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू एंड योर टेस्ट। इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर। मैं इसमें अभी नमक नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने दाल में ऑलरेडी नमक डाल दिया था, तो जब मैं यहाँ पे मैश्ड दाल को डालूंगी उसके बाद मैं टेस्ट करूंगी, अगर नमक की ज़रूरत होगी तो ही मैं नमक दूंगी, अदरवाइज नहीं। ओ हाँ, ये कप जो देख रहे हो ना, वेरी क्यूट इज़न्ट इट, ये कल मैंने फैंसी बाजार से ख़रीदा है। दाल जो है अभी मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगी। टेस्ट कर लेती हूँ नमक चाहिए कि नहीं, नमक तो परफेक्ट है, मैं थोड़ा पानी डाल के मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी, गैस की फ्लेम को बढ़ा देती हूँ। ये दाल रोटी के साथ परफेक्ट होता है, साथ ही मैंने बनाया फ्राइड फिश और टोमेटो फिश करी की रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूँगी।